बहुत ज़्यादा सब इंगेजमेंट में पोस्ट चल रहा था। हमारा इंगेजमेंट भी आज ही कल का है, लेकिन फिर भी कुछ रीजन की वजह से ज़्यादा हम लोग का ये नहीं हो पाया था। चलिए ये हो गया, करने में तो हम माहिर हैं, पति देव जी का पैसा बचाते हैं, तो ये लोग नहीं कहता है कि पैसा बचाती हूँ। अभी गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। और आज हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग में जाने वाले हैं, क्योंकि बाबू के लिए कुछ शॉपिंग करना है और देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग में। तो वही मैं भी अपना बैंगल्स निकाल रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ मार्केट। उसके पहले मैं अपना थोड़ा सा चूड़ा पहन लूँ, क्योंकि चूड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पता नहीं लाइक लोग पागल होते हैं, बट मुझे चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मिलते हैं मार्केट में, बाबू को दिखा दीजिए, बाबू रेडी है। ऋषि मार्केट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा? कहाँ जा रहा है खुशु? बोलो। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। अभी मैं चूड़ा मिक्स एंड मैच कर लूंगी खुद से ही, क्योंकि मिक्स एंड मैच करने में तो हम माहिर हैं, पति देव जी का पैसा बचाते हैं, तो ये लोग नहीं कहता है कि पैसा बचाती हूँ। अब यो नहीं कहेंगे कि हम पैसा क्या है इतना एक बॉक्स भर के लिए चूड़ी है, नजर मार दिए, पैसा बचाते तो चूड़ी एक पेटी देखे, देखे। आज तक हमको नहीं लगता कि कोई भी लड़की बोली हुई कि मेरे पास चूड़ी अब मेकअप बहुत है, कोई नहीं कम है, कोई ना बोलता है, सबके पास पाव में रहता है। क्या समझे? सही समझे। अभी देखिए टोक देता मेरे को चूड़िया नहीं मिल रहा। अच्छा ये बात में देखिए कैसा लग रहा है, होममेड चीज से डिजाइन बना लिया, कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, प्रीटी। मूवी देखने चले ना? ना। हाँ मूवी भी देखते नहीं, मार्केट जाएंगे, मार्केट चलो ना। अरे क्या पता, बहुत बढ़िया मूवी लगा हो, मजा आ जाए देख के। चल चलो बताइए लोग, हमारा चूड़ा कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा, अच्छा लगा, वेरी नाइस। ओ ये तो उल्टा हो गया, बोल यू नहीं रहे हैं कि उल्टा हो गया, बात आई है हम अच्छा ना। हाँ चलिए अभी चाय पी लीजिए जल्दी से, मैंने आया लेमन टी, कौन वाला लीजिए? मम्मी डैडी जी से चाहिए चाय बनेगा ना, चाय बेटा। डैडी जी बोलेंगे कौन हमारा मिली, तो कम के ले लीजिए, तो कम का चाय डैडी जी ले लेंगे। चलिए चाय पी लेते हैं, कैसा लग रहा है? So, hi guys, finally लोग आ गए मार्केट से, और ये है जो कि हम लोग मार्केट से लेके आए हैं। बहुत सारे लोग तो गेस भी कर लिए होंगे कि क्या है, चलिए इसको ओपन करते हैं। मतलब ये चीज ना हम लोग, क्योंकि जब से शादी हुई है 2-2.5 साल से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को ये चीज करना है, एंड फाइनली हम लोग लेकर के आ गए हैं। तो अब भी मैं इसको करूंगी अनबॉक्स। इतने दिन से सोचा हुआ चीज़ हमारा आज जाके ये बड़ेली या मतलब ये यहाँ पर पूरा होना था। फर्स्ट जो है वो है ये हमारा एंगेजमेंट का पिक। आपको ये कौन है बेटा? ये कौन है? काऊ है। ये काऊ है? काऊ। ये कौन है? काऊ। हट, कौन है ये? पापा। अब बोला ये कौन है? पापा।
पापा। अच्छा ये एक तो पापा और ये कौन है? मम्मा। पहचान लिया। तो फिर काऊ क्यों बोल रहे थे आप? बैड बॉय। जाओ उस रूम में देखो, जाओ उस रूम में बेड पे जाके देखो। गो। ये ना शादी के पहले बोले थे कि हम निकलवा लेंगे बड़ा सा फुट, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बेइज्जती कर रही है। सही तो बोल रहा है। तो ये काम अभी हुआ, तो ये रहा मेरा पहला फोटो, एंगेजमेंट वाला फोटो। चूंकि ये फोटो लेता हूँ तो ये है हमारा एंगेजमेंट वाला पिक्स मेरा ज्यादा। देखो इधर देखो, ये ऐसा है कुछ, ये इसमें ये वाला पोज है। ज्यादा पोजेस नहीं हो पाए थे हमारे, मतलब टाइम बहुत ही हो गया, तो जो भी है पहला फोटो ये है हमारा। चूंकि ये सारा चीज बाबू के मेरे हो जाने के बाद निकला, इसलिए पहली मुलाकात की पिक है ये भी बता दो। आजकल तो बहुत ज्यादा सब एंगेजमेंट में पोज चल रहा था। हमारा एंगेजमेंट भी आज ही कल का है, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस की वजह से ज्यादा हम लोग का ये नहीं हो पाया था। चलिए ये हो गया। दूसरा जो है वो है मेरे क्यूट भाई का फोटो। ये कौन है? बाबू। कौन है बेटा? बाबू है। काऊ है उसमें, काऊ दिखा रहा है। अच्छा इसमें काऊ है। हाँ ये क्रिशो का फोटो हमने निकलवाया, तो ये कान्हा जी बना था बाबू का, मतलब ये बाबू का क्या था, पहली बार वाला, पहला बार फर्स्ट टाइम वाला जन्माष्टमी का ये फोटो है। इस टाइम बाबू वही 7-8 महीने का था, जुलाई अगस्त का फोटो है ये। उस टाइम ये 7-8 महीने का था, तो ये मैंने उसको कान्हा जी बनाया था, मतलब जब ये सोया था ना तब इसको रेडी किए थे, क्योंकि सोए में इसको पूरा रेडी कर दिए थे और फिर उठा था। ये वाला हमने फोटो उस टाइम पे लिया था। और अभी दिखाती हूँ मैं लास्ट वाला फोटो, इतना सुंदर वो है ये। सो ये है हमारी शादी वाली फोटोग्राफ्स। इसको हम लोगों को और ज़्यादा मतलब बड़ा में बनवाने का मन था, लेकिन वो क्या होता है ना कि सूटकेस में वो नहीं जा पाता, तो अभी मैं जब घर पर जाऊँगी ना, अभी जब मैं घर पर जाऊंगी तो और मतलब बड़ा वाला जो बेड के पास में लगाते हैं वो बनवाऊंगी। बट तब तक हम लोगों ने ये बनवा लिया फोटो कि यहाँ पे लगाने के लिए सही है। तो बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है ये वाला फोटो। मैं स्मार्ट कर अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ लगाते हैं, क्योंकि कील तो इतना ऊंचा ऊंचा लगा दिया है। ये यहाँ पे लगने वाला फोटो सुंदर सा लगता है यहाँ पे, तो अभी देखिए हम इसको कहाँ पर सेव करते। तो ये तीनों फोटोग्राफ्स थे जो कि हम लोग आज लेने के लिए गए हुए थे, मैंने दे दिया था दो दिन पहले ही हम लोगों ने बनने के लिए दिया था, बन गया। तो ये रहा ये तीन फोटोग्राफ्स, और अभी एक बड़ा वाला फ़ोटो निकलवाना है, मतलब वो हम लोग घर पर निकलवाएंगे, यहाँ पर हम नहीं निकलवा सकते। और एक फ़ोटो इसमें है जिसमें कि फ्रेमिंग कराना है हम लोगों को, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग वीडियो में एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।